13.9 अंग विशिष्टता तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। हमने बात की है कि विभिन्न साधनों जैसे जल, वायु, भोजन द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर ये कहाँ जाते हैं? ये शरीर में कहीं भी जा सकते हैं, जैसे हवा से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव नाक के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचते हैं और क्षय रोग उत्पन्न करते हैं। ये जीवाणु जब अस्थि पर संक्रमण करते हैं तो उन्हें भंगुर करते तथा कमजोर बना देते हैं, जैसे अस्थि का क्षय रोग। मुंह के द्वारा प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव आहार नाल में जाकर टाइफाइड जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। हेपेटाइटिस विषाणु यकृत में पहुंचकर पीलिया रोग उत्पन्न करते हैं। HIV जो एक विषाणु है, शरीर में प्रवेश कर लसिका ग्रंथियों में फैलता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं। ये यकृत में जाते हैं, इसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं द्वारा शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करते हैं। यदि हम यह जानते हों कि कौन से ऊतक अथवा अंगों पर आक्रमण हुआ है और उस ऊतक या अंग का क्या कार्य है, तो हम संक्रमण के चिन्ह तथा लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। संक्रामक रोगों के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। इस प्रकार सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। इस प्रक्रम को शोथ इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तथा इस प्रक्रम में स्थानीय प्रभाव जैसे प्रभावित अंग का फूलना, दर्द होना, सामान्य प्रभाव जैसे बुखार, सूजन आदि होते हैं। क्या आप जानते हैं प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम? प्रतिरक्षा प्रणाली किसी जीव के शरीर के भीतर विशिष्ट कोशिकाओं का एक समूह है, जो रोग जनकों और अवांछनीय कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें नष्ट करती है तथा रोगों से रक्षा करती है। यह प्रणाली विषाणुओं से लेकर परजीवी कृमियों जैसे विभिन्न प्रकार के रोग कारकों को पहचानने में सक्षम होती है, किंतु यह जीव की स्वस्थ कोशिकाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, जिससे शारीरिक प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करती रहती है। कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। उदाहरण, HIV संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देते हैं, जिससे रोगी का शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता। हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहिका हो सकती है। अंततः ये अन्य संक्रमण ही एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण बनते हैं। हमें यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित हानिकारक जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि इनकी संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। यदि इनकी संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा हो सकता है। अतः हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही इनकी संख्या को निर्धारित करता है तथा हमें रोगों से बचाता है। प्रतिरक्षा तंत्र की रोग के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एड्स के संदर्भ में इस कथन को समझाएं। हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा संचारित होते रहते हैं। ये जंतु रोगाणुओं, संक्रमण करने वाले कारक को रोगी से लेकर अन्य पोषी तक पहुंचा देते हैं, तथा ये मध्यस्थ का काम करते हैं, जिन्हें रोगवाहक वेक्टर कहते हैं। सामान्य रोगवाहक का मच्छर एक उदाहरण है। मच्छर की बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सकें। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों जिसमें मनुष्य भी शामिल है पर निर्वाह करता है। इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग फैलाते हैं।